Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Prashant Singh and आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर चैप्टर टेस्ट का सॉल्यूशन। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप आप घर पे होंगे, सेफ होंगे और अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, ठीक है। कोरोना वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स जरूर है गाइस, लेकिन आप लोग शुरू से ही वॉरियर रहे हो, दक्षिणा फाउंडेशन के वॉरियर रहे हो, तो आप लोग हार्डवर्क कर रहे होंगे। और याद रखो इस क्राइसिस में बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, ठीक है, मेहनत नहीं कर रहे होंगे, अपने गोल को लेके एम्बिशियस नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप अगर हार्डवर्क करते हो तो प्रॉपरली जब दुनिया सो रही है, मतलब आप काम कर रहे हो, आप उनसे निश्चित तौर पे आगे जाओगे। बस हमेशा एक हिम्मत बना के रखो, हमेशा एक एम के प्रति अपने जो है ना वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपके, हमेशा वो है ना उस एम को, यानी कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, हम अभी शायद नीट के बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं सभी, तो डॉक्टर बनने के प्रति वो आपकी ना इच्छा होनी चाहिए, वो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखें एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी, तो ये जो क्राइसिस है वो आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ज़्यादातर बच्चे इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आप करके क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको चैंपियन की तरह बिहेव करना है और बिल्कुल मेहनत करना है, क्योंकि याद रखिए चैंपियन सिर्फ एक होता है ना, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि चैंपियन इस तरीके का काम करता है, इस तरीके से मेहनत करता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हम, डायरेक्टली वीडियो पे आते हैं, डायरेक्टली हम सॉल्यूशंस पे आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, और आपको ऑप्शंस दिए हुए थे N2+ O2+ F2 एंड Ne2 O2 B2 C2 एंड N2, ठीक है गाइस। पेपर के बारे में बात करें तो पेपर का लेवल मैंने बहुत ही आसान रखा था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डायरेक्ट क्वेश्चन थे, लेकिन इस पेपर का एक और एम भी था जो सॉल्यूशन के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन किस तरीके से हम ऑप्शन में चेक करके या किस तरीके से हम अपना थोड़ा सा ना ब्रेन यूज़ करके क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में 5 से 10 सेकेंड में भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो हम क्वेश्चन हमारा आसान होगा, लेकिन हम उसको क्वेश्चन को फास्टर तरीके से करने के भी हम मेथड्स देखेंगे, और किस तरह से बहुत तेज़ी से करके अपना टाइम बचा सकते हैं कुछ ऑब्वियस ट्रिक्स लगा के, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था आपका है ना आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स आपको पहचानने थे, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको क्या कर लेना था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना था आपको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आपको क्या करना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और आपको नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेने थे। आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाल लेते सब में, और फिर क्या करना था आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ऐसा करते और फाइनली आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाता, और ऐसा चेक करते आप तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या आता, सेम आता, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके काउंट कर लीजिए। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, जैसे मैंने क्लासरूम में सिखाया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत हमको बहुत ही रेयर केसेस में है, ऑल दो आप उसको याद रखिए, मैंने बोला ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रखना है, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है, लेकिन सिंपल ट्रिक मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आप इस तरह कर सकते हैं 2 2 2 2 6 6, ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक। अब जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए यही आपका करेक्ट है, तो इसको चेक कर लेते हैं, तो N2+ यानी नाइट्रोजन था, तो इसमें आपके 13 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अलग से पेज पे कर लेते हैं N2+ और O2+ का, तो आपका N2+ एंड O2+ है, आपके पास नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के पास होते हैं 7, ठीक है, तो 2 के पास हो जाएंगे 14 है, प्लस का चार्ज है तो 13 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 15। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, मतलब ट्रिक है सिंपल, 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 5 है ना, इस तरह हो जाएगा ये। उसी तरह 15 का कैसे करेंगे, 2 2 2 2 6 एंड 1। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 9, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 4, इधर देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 10, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2.5। तो ये बहुत ही ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप जो है बहुत आसानी से टाइम बता सकते थे,
और अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन याद है तो ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन है, आपका पहला ऑप्शन इसका सही है, बाकी आप चेक कर सकते हैं सही नहीं है। ठीक है, हम आते हैं, हम आई एम सॉरी, हम आते हैं हम नेक्स्ट पे अपने। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव स्मॉलेस्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, और जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चन में हमको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना होता है, हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड लेंथ इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पे देखना है बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज़्यादा है। तो यार गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, के ओ टू मतलब इसमें कौन सा आयन होगा, ओ टू माइनस, क्योंकि पोटेशियम पे हमेशा क्या आएगा, प्लस चार्ज, है ना। इसको भी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हमारा कह रहा है के ओ टू, सेकेंड ऑप्शन है ओ टू, फिर जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा ओ टू प्लस, और फिर आपका के टू ओ टू, ओ टू प्लस, और एक आयन दिया साथ में, उसका कोई मतलब नहीं है, के टू ओ टू। अब देखिए के ओ टू का क्या मतलब हुआ, हमेशा पोटेशियम पे प्लस चार्ज रहेगा तो ओ टू पे कितना चार्ज आना चाहिए, माइनस। यहाँ भी देखिए पोटेशियम पे हमेशा प्लस वन होगा, दो पोटेशियम मिला के प्लस टू होगा, तो ओ टू के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ओ टू माइनस माइनस, ठीक, ओ टू माइनस माइनस। तो ओवरऑल आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर किसका, ओ टू, ओ टू माइ ओ टू, है ना, ओ टू माइनस ओ टू, ओ टू प्लस और ओ टू माइनस माइनस। अगर आपको याद है यार गाइस, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो मैं नहीं कहता आप रट लें, लेकिन ये मोस्टली लोग को याद भी होती है, तो आपको बहुत आसानी से पता है कि ओ टू प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम। लेकिन आइए हम देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। ओ टू माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17, ओ टू के पास 16, ओ टू प्लस के पास 15 और ओ टू माइनस माइनस के पास 18। अब आप सिंपल फिर से यही वाला तरीका आप लगा सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, है ना गाइस। ये वाला आई थिंक बहुत मतलब फेमस मेथड है, आप सबको मैक्सिमम पता होगा, क्लासेस में मैंने पढ़ाया है ना, क्लासेस में मैंने पढ़ाया है। फिर भी इनकेस अगर ये वीडियो ऐसे देख रहे हैं लोग जिन्होंने क्लासेस में नहीं देखा, या फिर मतलब ये चीज़ उनको नहीं पता, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये फेमस है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज इस पर भी मैं मतलब एक छोटी सी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मतलब आप नहीं जानते हो, इसके चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप सिंपली, आप अगर ये नहीं जानते, इस तरीके से आप करना नहीं जानते, टू टू है ना, टू टू सिक्स सिक्स से, तो आप सिंपली मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, रिजल्ट वही आना, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इट्स अप टू यू, आप कैसा करना चाहते हैं, बट मेरे हिसाब से आप टाइम बचाइए, है ना। चलिए देखिए, ठीक है, ओ टू माइनस ओ टू, ओ टू प्लस और ओ टू माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, इसका आएगा 2.5, इसका आएगा आपका 1.5, इसका आएगा आपका 2 और इसका आएगा 1। ये आपको याद नहीं रखना, ये आपको याद मतलब बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है तो याद होगा, अदरवाइज आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से आप इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो सिंपली आपका बॉन्ड ऑर्डर ओ टू प्लस का सबसे ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे कम, ठीक। डायरेक्टली आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा फेमस है, अप्रॉक्सीमेटली सारी क्लासेस में कराया जाता है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन इस पर कराए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरीके से डील नहीं करेंगे, हम प्रॉपर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है आपको, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछ रहा है आपको। तो देखिए सी एल ओ फोर को देखते हैं, अगर आप सी एल ओ फोर को देखें, सी एल ओ फोर माइनस, सी एल ओ थ्री माइनस और सी एल ओ टू माइनस और सी एल ओ माइनस, ठीक है। अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स देखें, इन सबके स्ट्रक्चर्स देखें, तो इनके स्ट्रक्चर्स होते कैसे हैं उस पर आते हैं। सी एल ओ फोर माइनस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, सी एल ओ थ्री माइनस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, सी एल ओ टू माइनस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, एंड सी एल ओ माइनस का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है, सी एल ओ माइनस का। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, है ना, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो जो है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसका बनाएंगे, तो इसके फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, इसके थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, इसके टू आएंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और आपका जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, तीन में आपके डबल बॉन्ड है और एक में आपका सिंगल बॉन्ड है, और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा भाई, टोटल बॉन्ड्स कितने, सेवन, है ना, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, फोर। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपके बॉन्ड्स है फाइव और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा आपका तीन, ठीक है,
और इसको देखें आप, टोटल बॉन्ड्स हैं आपके तीन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे आपके दो, टोटल बॉन्ड है आपका एक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें एक ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 7/4 मतलब 1.75, 7/4 मतलब 1.75, आसान था ही काफ़ी। फिर नेक्स्ट था आपका 5/3, 5/3 का मतलब हुआ आपका 1.66, कितना हुआ 1.66। 3/2 का मतलब हुआ 1.5 और 1 का मतलब 1। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, Cl(O)-, का, फिर वन Cl(O)-, का, फिर आपका Cl(O)-, का, फिर आपका Cl(O)-, का। और इस हिसाब से हमारा करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, फॉर हाइड्रोजोइक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो आपसे भैया पूछा है लीस्ट स्टेबल, है ना, लीस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा है ना। ये तो आपको मतलब बहुत ही आसान है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने क्लासरूम में बहुत तरीके से बताया। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रल कंपाउंड, इसमें से न्यूट्रल कंपाउंड कोई भी नहीं है, मतलब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं न्यूट्रल तो नहीं है। नेक्स्ट आप गिन लीजिए, लीस्ट स्टेबल पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट आप गिन लीजिए। नेक्स्ट मैंने बोला था क्या, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, है ना। जैसे ही आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनेंगे, ये कंपाउंड भाई चिल्ला चिल्ला के कह देगा कि मैं सबसे कम स्टेबल हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें एक है। पहले आपने देखा न्यूट्रल कंपाउंड फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी वाइज मैंने आपको 7-8 पॉइंट बताए हैं, है ना। आप एक बार अपने नोट्स देखिए, अगर आप मेरे क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप अपने नोट्स देखिए, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, है ना। सबसे पहले न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड इसमें कोई नहीं है, फिर आप देखें नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंड जो है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें है सबसे कम, तो हो जाएगा सबसे कम स्टेबल, है ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट मतलब मेरे हिसाब से 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था, मतलब जितना OMR में आपको भरने में टाइम लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन I3-। अगर I3- जो वेरी फेमस कंपाउंड, ये बिल्कुल आपका XCF2 की तरह होता है। XCF2 की तरह क्यों, क्योंकि देखिए आपका एक निगेटिव चार्ज की वजह से, देखिए I3 के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, एक निगेटिव चार्ज है जिसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। आई मतलब देखिए आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, एक निगेटिव चार्ज है तो कितने हो गए, 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8। और इसने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने दिए, 1 और 2, ठीक है, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन में से इसने बॉन्डिंग के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन दिए, तो बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और वैसे भी वेरी फेमस स्ट्रक्चर, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। यहाँ पे नंबर आप देखिए, मैं इसमें ऑप्शन एक और डाल सकता था 3, है ना, जिसमें आप लोन पेयर समझते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और आप 3 लोन पेयर्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर करके आप उस पर टिक कर देते कि 3 लोन पेयर, लेकिन मैंने मतलब आपको कंफ्यूज नहीं किया, वो ऑप्शन जानबूझ के मैंने हटा लिया, मुझे देना चाहिए था। मैं अभी के से फिलहाल अभी के पेपर्स में जानबूझ के पेपर बहुत ज़्यादा ईजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार ये भी देखना चाहता हूँ कि हाउ आर यू परफॉर्मिंग, इसके बाद के टेस्ट में ज़रूर, मतलब इसके बाद के टेस्ट में मैं पेपर का लेवल बढ़ाऊँगा ही, ठीक है, क्योंकि आपको और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल क्या है आपका, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अच्छे से हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका Bf3+F- गिव्स Bf4- हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा है यार, Bf3 एंड Bf4- का मुझे बताने की जरूरत है क्या आपको, है ना। आप खुद ही बोल रहे होगे सर रहने दीजिए आगे बढ़िए, है ना, ये क्वेश्चन आसान है, बट ठीक है मुझे इसको बताना चाहिए। आप देखें Bf3 में देखें तो Bf3 के पास 3 बॉन्ड्स पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन इज सिंपली sp2, 3 बॉन्ड पेयर, है ना, बॉन्ड पेयर जो है आपके 3 है और लोन पेयर एक भी नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपका 3 और लोन सिग्मा बॉन्ड मतलब, है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपका 3 और लोन पेयर एक भी नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। सिमिलरली Bf4- के लिए आपका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं आपके 4, लोन पेयर हैं एक भी नहीं, ठीक है, सेंट्रल एटम पे। नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो आप, है ना, अगर आप ग्रुप एंड पीरियड्स का, है ना, मैंने एक सिंपल से ट्रिक बताई है क्लास में कि आप आसानी से देख सकते हैं, सिमिलर ग्रुप में जैसे आप कार्बन के बाद जस्ट नाइट्रोजन आता है, इस पर आपका -2 चार्ज है और इस पर आपका -1 है, तो बेसिकली कार्बन आपका 2 इलेक्ट्रॉन में बढ़ गया और नाइट्रोजन आपका 1, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हो गए सेम। लेकिन आप में से मतलब मैक्सिमम लोग जो है
नहीं समझ पा रहे होंगे इस ट्रिक को, क्योंकि आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी है ना, आपने कभी ऐसे सिंपल दिमाग नहीं लगाया, तो आप इस तरीके से देखिए है ना, सिंपल सी बात है ना, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, अगर हम इतना नहीं सोचते, अपना ट्रिक नहीं लगाते, ग्रुप एंड पीरियड वाली बात नहीं सोचते, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करेंगे तो काउंट करने के बाद आपको मिलेगा है ना कि आपका CO3 माइनस माइनस और NO3 माइनस माइनस में इलेक्ट्रॉन है सेम, इलेक्ट्रॉन आपके हैं सेम, बाकी किसी में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, है ना, बाकी किसी में भी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है ना, इसमें मतलब इनमें से किसी भी पेयर में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं यार इसको थोड़ा सा, है ना, आलस नहीं दिखाते हैं। CO3 माइनस माइनस में देखिए, कार्बन के वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 8 8 इलेक्ट्रॉन, तो 24, और दो निगेटिव चार्ज की वजह से हुए आपके 32 इलेक्ट्रॉन, है ना, 32। सिमिलरली NO3 माइनस माइनस को देखिए, NO3 माइनस को देखिए, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 24, मतलब तीन एटम है इसलिए, और एक निगेटिव चार्ज की वजह से भी हो गया 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्या सेम दोनों में, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं, बाकी कोई और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर इसमें नहीं है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक केवल वही बचा। तो मतलब मेरे हिसाब से आपको टाइम वेस्ट न करते हुए, आपको चूंकि आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिल गया तो आइसो स्ट्रक्चरल तक तो बात नहीं पहुंचाई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी आएगा सेम, हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp2 और स्ट्रक्चर आएगा आपका ट्राइगोनल प्लैनर, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यार सिंपली देखिए, इसमें जो है आपका जो SF4 है, SF4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आई होप आपको इसको करने में 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, तो सीसॉ स्ट्रक्चर है। इसमें इस लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है इसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ नहीं है, और सिंगल लोन पेयर वाले है ना मॉलिक्यूल्स मोस्टली आपके क्या होते हैं, मोस्टली आप पोलर होते हैं, तो आपका ये वाला पोलर है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन आप बाकियों को देख लीजिए, BF3 जो होता है वो आपका रेगुलर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, पोलर होने की संभावना ही नहीं है। सिमिलरली आपका SiF4 देखिए, टेट्राहेड्रल है, SiF4 क्या आपका टेट्राहेड्रल है, उसके भी पोलर होने की संभावना नहीं है। और XeF4 कैसा है आपका, XeF4 को बना लेते हैं इधर, SiF4 को भी बना लेते हैं आपका, ये कैसा है टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर SiF4, तो ये भी आपका पोलर नहीं है, ठीक है। XeF4 को देखिए, XeF4 देखिए उसका शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, किस तरह का शेप होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो आपने जो है इस तरीके से बना लिया, अब जो इधर का डाइपोल मोमेंट है वो ये वाला कैंसिल कर देगा, जो ये वाला डाइपोल मोमेंट है वो ये कैंसिल कर देगा, और जो लोन पेयर की वजह से वो नीचे वाला लोन पेयर कैंसिल कर देगा, ठीक है, है ना, नॉर्थ ईस्ट है ना, जिस तरफ भी है आपका सारा डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जा रहा है, तो आपका ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। आसान था ये काफ़ी, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ O2 बॉन्ड लेंथ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस पे आते हैं गाइस, है ना, इस पे आते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं, सिंपल से देखिए, आपको दिया क्या क्या है, O2 O3 H2O2 और O2F2। अगर स्ट्रक्चर आप बनाएं तो O2 ऐसा होता है, O3 है ना, मतलब नॉर्मली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह अभी नहीं दिखा रहे हम, सिंपल दिखा रहे हैं इसको। H2O2 आपका इस तरह होता है और O2F2 आपका ऐसा होता है। यहाँ पे आपका होता है लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर दिखाना जरूरी है इसलिए दिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे होता है लोन पेयर और यहाँ पर भी होता है लोन पेयर। होगा क्या, अब सिंपल सी बात है, आपको किस चीज का बॉन्ड ऑर्डर पूछा, लेट मी चेक अगेन, आपसे पूछा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा, बॉन्ड लेंथ पूछा है। सिंपली अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड लेंथ तो इनवर्स रेशियो होता है, तो अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो भाई खुद चिल्ला के कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा है 2, है ना, वो तो दिख रहा है हमको। यहाँ पे देखेंगे आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इस तरह आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा 1.5, कैसे आएगा 1.1 में 2 और 1 में 1, तो टोटल बॉन्ड 3 अपॉन टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 1.5। यहाँ दोनों केस में बॉन्ड ऑर्डर है 1। यार अब आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जब भी मतलब आपका कम होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है ज़्यादा, तो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ होगा ज़्यादा और इन दोनों का होगा बॉन्ड लेंथ कम। उन दोनों में तो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 और 1.5 आ गया, लेकिन यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आ गया है ना दोनों का, तो दोनों का नियरली इक्वल होगा बट थोड़ा डिफरेंस होगा, और क्या होगा, कैसे क्यों डिफरेंस होगा, इस पर हम आते हैं, ठीक है। तो यार गाइज इसको शायद समझने की ज़रूरत है थोड़ा, इतना तो आपके लिए आसान था, O2 का 1.2 होता है आपके लिए आसान था, O3 का 1.5 होता है, इन दोनों का 1.1 है। अब देखिए होगा क्या,
H2O2 में अगर आप देखें, ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है, यहाँ पे, यहाँ पे भी दो लोन पेयर, यहाँ भी दो लोन पेयर, ऊपर से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या करेगा, लोन अब ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो बिल्कुल वॉर होता है, इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, और एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, और ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो H2O2 का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, O2F2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि O2F2 के केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा, तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमाइज होगा। H2O2 में यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसी ए लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये काफ़ी अच्छा और मतलब मोर और लेस है ना इजी होगा, ये नोट्स में है, प्रॉपर आपके नोट्स में लिखवाया गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड इन P4O9, ठीक है। आप सब में से मैक्सिमम लोग के नोट्स में एक क्वेश्चन, मतलब ये स्ट्रक्चर नोट्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि भाई P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 एंड P4O10, इनमें से किसी में भी डायरेक्टली फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड होता ही नहीं है। जब फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड नहीं होता तो नंबर ऑफ फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन चलिए है ना, आपको फिर भी बना के बता देते हैं। इधर P4O6 का, P4O9 का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो P4O9 का स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, और फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड इसमें एक भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था, मतलब मेरे हिसाब से इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट यार देखिए, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको हम आते हैं डायरेक्टली इधर सॉल्यूशन करते हैं, इधर अपना आराम से बना के देखिए। आपका एक मॉलिक्यूल दिया है इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पे आपका CH3 एक मॉलिक्यूल है आपका, ये यहाँ पे आपका CH3, एंड आपका जो थर्ड मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो आपका इस तरह का। अब देखिए यार, डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछा है, मेरे हिसाब से बच्चों ये होना चाहिए था, क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, कार्बन से क्लोरीन तक डायपोल मोमेंट, यहाँ डायरेक्शन होगी ये वाली, यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, यहाँ पर ये वाली, और CH3 क्या है, CH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन क्या है, sp2 है, दोनों तरफ कार्बन है, तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ ज़्यादा है इस वाले कार्बन का, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई है, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ये, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी ये। अब देखिए, अगर आप दोनों को बना लें प्रॉपरली, यहाँ पर बना लें, तो आपका एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में, ये इसका थोड़ा बहुत अपोज कर रहा है, इसको देखें आप, तो ये इसका थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ देखें तो ये बिल्कुल डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, वन मतलब है ना, लीनियर एडिशन हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ, ठीक है। तो बहुत इजीली विजिबल है कि यहाँ पे देखिए दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, डायपोल मोमेंट, वेक्टर एडिशन भी आपको पता होगा, आप वेक्टर एडिशन भी कर सकते हैं एंगल से, है ना, फिजिक्स और है ना, इतनी तो आपको आती है फिजिक्स। तो आपका जो है डायपोल मोमेंट जो है यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम, उसके बाद ये, फिर ये, तो ऑर्डर शुड बी 3, 2 एंड 1, है ना। लेट्स चेक, तो आप ऑप्शन एक बार देखिए, इसका ऑप्शन आपका 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर होगा आपका ए। अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, करेक्ट ऑर्डर आप डायपोल मोमेंट, करेक्ट ऑर्डर आप बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जब भी हम लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं HF, HCl, HBr, HI, तो आपका HF का सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब हम लिखते हैं H2O, H2S, H2SC, H2TE, तो H2O का सबसे ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो है ये वाला ऑर्डर सही होता है, क्योंकि देखिए NH3 का है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। किससे किससे, देखिए होना क्या चाहिए, ऑर्डर रियली में कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए था, BiS3, SbS3, ASS3, फिर PS3 और फिर NH3। तो बाकी सारे केसेस में क्या होता था, डायपोल मोमेंट की वजह से ये सबसे इधर आ जाता था, लेकिन इस केस में ये सिर्फ यहाँ तक आ पाएगा, है ना। BiS3 और SbS3 का डायपोल बॉइलिंग पॉइंट इस केस में ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है ना, ये ध्यान रखने की चीज़ है। BiS3 का सबसे ज़्यादा, फिर SbS3 का, फिर NH3 का, फिर ASS3 का, फिर PS3 का, ठीक है। तो
तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑर्डर है। मेरी बात आप समझ पाए होंगे आई थिंक। मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार, है ना, साफ पे इस पे। कहने का मतलब ये था कि जैसे आपने लिखा एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताना था। तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए था इस तरीके का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है एच एफ में तो ये सबसे ज़्यादा आगे आ जाता था इस तरफ। लेकिन एन एस थ्री वाले केस में क्या होगा, एन एस थ्री का सबसे कम होना चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती, यहाँ पर आ पाता है केवल। बी आई एस थ्री और एस बी एस थ्री का फिर भी ज़्यादा होता है ड्यू टू परसेंटेज एनी करेक्टर, परसेंटेज एनी करेक्टर इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा और बहुत ज़्यादा ईजी था आई थिंक ये, मतलब ईजी सा क्वेश्चन सोल्यूशन था इसका। नेक्स्ट कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कंपेयर सी ओ बॉन्ड लेंथ इन दी फॉलोइंग। ठीक है, आपसे पूछा है बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है ना, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर पे आना। बॉन्ड लेंथ पूछे तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर पे आना, किसका किसका पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बॉन्ड ऑर्डर मैं बताऊं क्या आपको, आप खुद लिख रहे हो ना आप बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 3, गुड, है ना। सी ओ टू, नेक्स्ट आपका सी ओ टू, मैं बताऊँ क्या आपको बॉन्ड ऑर्डर, आप लिख रहे हो ना बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा 2, क्यों, क्योंकि देखिए सी ओ टू का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का। ठीक है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है आपका 3, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है 2। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, है ना। नेक्स्ट आपका सी ओ थ्री माइनस माइनस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप लिख रहे हो ना, नहीं लिख रहे कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। सी ओ देखिए कार्बन, है ना, कार्बोनेट आयन कैसा होता है, सी ओ थ्री माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसा होगा, आप रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यही आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर अगले केस में भी सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा, टोटल बॉन्ड्स होंगे 4, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा 3 और बॉन्ड ऑर्डर रहेगा आपका 1.33। बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा आपका 1.33। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी एस थ्री सी ओ माइनस। ठीक है, सी एस थ्री की जगह मैंने आर लिया है क्या, एक बार लेट मी चेक, मतलब कुछ भी अल्काइल ग्रुप ले लिया होगा ऐसा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सी एस थ्री लिया, वेरी गुड। ठीक है, सी एस थ्री लिया, अब इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आएगा सी एस थ्री, यहाँ पे जाएगा माइनस और यहाँ पे आएगा, सब बना पा रहे हैं, सब बना पा रहे हैं। देखो बच्चों, जो नहीं कर पा रहा ना वो कमेंट में पूछेगा, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। आप बोलोगे कि इसको आप डिटेल में समझा दीजिए, डिटेल में समझा दूंगा। आप लोगे यही क्वेश्चन आप इत्मीनान से इलेक्ट्रॉन गिन गिन के समझा दीजिए, वो मैं वो भी इस तरह भी समझा दूंगा, आई हैव नो इशूज, लेकिन आप करने की कोशिश करिए। एक्चुअली ये वीडियो चूँकि सबके लिए बनी है तो है ना, आप में से किसी को अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धीरे हो रहा है, मतलब क्योंकि किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होती है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। किसी को अगर लग रहा है ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप चाहें तो स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। अगर रिप्लाई करने लायक होगा, मतलब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने लायक होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको मेंशन कर दूंगा कहीं ना कहीं, डोंट वरी, है ना, और आपको टाइम बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें टोटल बॉन्ड्स हैं आपके 3, 2 बॉन्ड्स यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, टोटल बॉन्ड है 3, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 1.5। आसान क्वेश्चन था ना, सच बताइए आसान था या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब यार बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल गया, बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया आपको, इसका 3, इसका 2, इसका 1.33 और इसका 1.5। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का इनवर्स रेशियो होता है, तो सी ओ थ्री का हो जाएगा सबसे ज़्यादा, यानी थर्ड का हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर आएगा फोर्थ का, फिर आएगा 2 का, फिर आएगा 1 का, आसान था ये। विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज पैरा मैग्नेटिक। यार अब पैरा मैग्नेटिक वाले को, सॉरी आई एम सॉरी, पैरा मैग्नेटिक वाले क्वेश्चन भी अगर आपको कराने पड़े हैं, है ना, क्लास में बहुत अच्छे से बताया कि आप सिंपली एमओ थ्योरी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, है ना, यूज़ करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले वहाँ पर आपका क्या है वो पैरा मैग्नेटिक है। सी एन माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। ओ टू माइनस माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, 18। बी टू के पास 10, सी टू के पास 12। तो आप सिंपली अगर आप देखेंगे, सिंपली आप गिन सकते हैं, आप एक बार इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो बहुत आसानी से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बी टू के पास क्या है, आपके लोन पेयर ऑफ सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, बी टू पैरामैग्नेटिक हुआ। वैसे भी मैंने आपको बताया था यार, टाइम बचाने के लिए आप याद ध्यान रखिए, ऑड इलेक्ट्रॉन जब भी आए, ऑड इलेक्ट्रॉन जब भी आए पैरामैग्नेटिक, ऑड इलेक्ट्रॉन जब भी आए गाइस पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और इवन में 10 एंड 16 के केसेस में पैरामैग्नेटिक, बाकी सारे केस में डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे 14 है, 18 है, 12 है और 10 है, जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स लिए थे मैंने जहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सिंपली 10 वाला क्या हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। आसान था,
बहुत ज़्यादा आसान था, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको ऐसी ट्रिक्स नहीं भी पता तो आप यार सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से करिए, कॉन्सेप्ट आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, पूरी मतलब अच्छा खासा इस पर लेक्चर्स मिला आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वगैरह बताए गए हैं, सारे थ्योरीज बताए गए हैं, उसको अप्लाई करिए। नेक्स्ट है आपका, एमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल बॉन्ड एंगल इज मिनिमम बिटवीन, बॉन्ड एंगल मिनिमम किस में होगा। अगला नेक्स्ट कर आप है ना, ऑप्शन है आपके sp3, आपको पता है एंगल कितना होता है इसमें, 109 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 28 मिनट है ना, sp बॉन्ड में होता है आपको 180 डिग्री। HOH बॉन्ड, HOH इज नथिंग बट sp3 हाइब्रिडाइज ना यार, वाटर आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ऑल दो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होता है 104.5 डिग्री, बहुत ही फेमस आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से। अब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान था कि आप बहुत देखते ही बता सकते हो इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि px और py ऑर्बिटल, तो x और y ऑर्बिटल में किसका कितने एंगल का गैप होता है, 90 डिग्री का। x एक्सिस और y एक्सिस में कितना गैप होता है आपका, x एक्सिस और y एक्सिस में 90 डिग्री का, तो px होता है x के लॉन्ग और y होता है आपका y के लॉन्ग। ठीक है, आसान था काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कौन सा स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन पे हम आए तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी निकालनी है, उसको कैलकुलेट करके हमको है ना नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखना है, या कुछ लोग बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। या आप कह सकते हैं बॉन्ड पेयर अगर 10 से ज़्यादा है तो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो अगर आप बेरिलियम 2 को देखेंगे यार, ठीक है, अब यार बेरिलियम 2 को देखेंगे, Be2 को देखेंगे, इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका देखिए कैसे 2 2 4 2 2 है ना, 2 2 करके अगर इसको देखेंगे, सॉरी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 8, तो 2 2 2 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है तो ये स्टेबल है ही नहीं। अदरवाइज आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिए, 4 - 4/2 = 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिबिट डाइपोल मोमेंट इज, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, बताऊं क्या, पक्का बताऊं, है ना, होना चाहिए ना आपसे, ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, CCl4 को देखिए आप, CCl4 बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रॉन है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, सारे एटम सेम है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, 0, डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, 0, आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन जो दिया था ये मुझे याद है, इनफैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि भाई क्लोरोबेंजीन का आपको डाइपोल मोमेंट दिया था, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट आपको दिया था एक्स, आपसे पूछा था 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन को, तो 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन बना लेते हैं इसको, अभी बताना है क्या, नहीं ना बच्चों, यहाँ पे होगा डाइपोल मोमेंट इस तरफ, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा इस तरफ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 0, हेंस 0 विल बी द आंसर, हेंस 0 विल बी द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, नाउ वी हैव ऑप्शंस H2S, C2H2, BeH2 एंड CO2, है ना, तो H2S को अगर आप देखो इस तरह का होता है, ठीक है, अगर आप देखो H2S को, वैसे तो रेगोज रूल के तहत जो है H2S आपका डाइपोल हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप बाकी मॉलिक्यूल्स को देखें, है ना, लाइक आप देखें C2H2 को, BeH2 को, BeH2 कैसा होता है, लीनियर होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड, C2H2 कैसा होता है, ये भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इसमें एटम और लीनियर होता है, CO2 भी आपका sp हाइब्रिडाइज्ड और लीनियर होता है, केवल H2S बचा है, ठीक है, जो आपका ऑल दो ड्रगोज रोल के हिसाब से इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली आपका 90 के आसपास आता है, 91-92 आसपास, लेकिन ओवरऑल आपका जो है ये लीनियर तो नहीं है, मतलब किसी भी हाल में लीनियर तो नहीं है, तो काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपका, आपसे पूछा था नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जीनॉन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको कंपाउंड दिया आपको XeF2, XeF4, XeF6, ठीक है,
XCF2 कैसा होता है आप बताइए मुझको यार, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ याद आया आपको, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो XCF2 कैसा होता है आपका, इस तरीके का होता है। अगर आपने किसी का भी स्ट्रक्चर सही से बना लिया ना, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। XCF4 आपका किस तरीके का होता है, ऐसा होता है। और XCF6 कैसा होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह का होता है। तो एक लोन पेयर, तो लोन पेयर का नंबर कितना हो गया, इसके पास हो गया 3, इसके पास हो गया 2 और इसके पास हो गया 1। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 20 का ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच टू स्पीसीज आर नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब यार इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब देखिए PF6- और SF6-, है ना, इन दोनों का सेप आएगा ऑक्टाहेड्रल, करके देखिएगा इलेक्ट्रॉन गिन के और हाइब्रिडाइजेशन चेक करके देखिएगा, इसका सेप आएगा क्या आपका ऑक्टाहेड्रल, आसान है। BH है ना, हाइब्रिडाइजेशन आएगी SP3D2। सिमिलरली आप BH4- और NH4+ को देखिए, हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका SP3 और सेप आएगा आपका टेट्राहेड्रल। मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि अब ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, तो एक एक करके गिनने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप सिंपल, अगर आप इसको देखें SiF4 और SF4 को, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, SiF4 में आपका हाइब्रिडाइजेशन है, SiF4 में हाइब्रिडाइजेशन है आपका SP3, और जो सेप है ना, साफ पेज पे कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है SiF4, और SF4 वाला ऑप्शन आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा। SiF4 आपका क्या है, सिंपली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है SP3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, SP3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, यहाँ पे आपने लिखा है SP3 हाइब्रिडाइजेशन, और सेप होगा आपका क्या, टेट्राहेड्रल, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। SF4 को अगर आप देखें, SF4 होता है आपका इस तरीके का, सेप होता है इसका C100, ठीक है, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चरल तो नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, SF4 एंड SiF4, है ना। आई थिंक यू डोंट हैव प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब यार दो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंट और वी शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिजल्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन, किस है ना हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आपको वी शेप मिल सकता है। पहला ऑप्शन SP3, हम इससे देखने की कोशिश करते हैं मिलता है क्या। SP3 में देखिए, पहले आपका है कि अगर आपके 4 बॉन्ड पेयर्स हों और एक भी लोन पेयर ना हो तो होता है टेट्राहेड्रल, अगर आपके 3 बॉन्ड पेयर हों और एक लोन पेयर हो तो होता है आपका पिरामिडल। जैसे NH3 को देखिए आप, तो SP3 हाइब्रिडाइज्ड एक लोन पेयर है और आपके 3 बॉन्ड पेयर हैं, पिरामिडल। फिर आपका आता है केस 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला, वो है आपका H2O, और H2O का शेप कैसा होता है, वी शेप। H2O आपका SP3 हाइब्रिडाइज्ड है और वी शेप है, यानी SP3 तो पॉसिबल है। अगर आप SP2 को देखो, SO2 आपका किस शेप में होता है, SO2 आपका SP2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आपका किस शेप में होता है, वी शेप में होता है। तो SP3 और SP2 दोनों पॉसिबल है, यानी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका सी, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका सी, है ना, बोथ ए एंड बी, करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस, अगर आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको लग रहा है तेज़ हो रहा है थोड़ा, तो आप पूछ सकते हैं। मैं अपने हिसाब से थोड़ा, चूंकि ये क्वेश्चन आसान है, आपके टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि आपको पढ़ना भी होता है, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ तेज़ हो रही है, तो आप प्लीज़ एक बार पूछें, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है XCO4 में लोन पेयर कितने हैं, तो XCO4 किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। आई होप आप सब इस सबको बहुत बार बनाए होंगे, बहुत बार किया होगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए इसके पास, 1। XCO4 के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए आपके, 1। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड C2-2- कार्बाइड आयन का पूछ रहा है, बताने की ज़रूरत है क्या, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में पता है ना, काफ़ी आसान है ये। तो फिर भी देख लेते हैं कार्बाइड आयन किस तरीके का होता है, ऐसा होता है आपका, ठीक है, इसके पास होता है 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो बहुत ज़्यादा आसान था, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल HXX ग्रेटर इन इज ग्रेटेस्ट इन, मतलब बॉन्ड एंगल किसमें सबसे ज़्यादा होगा, क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपके पास ऑप्शन है CH4, NH3, H2O और PS3, ठीक है, ध्यान समझिएगा। CS4, NH3, H2O सारे क्या हैं, SP3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे क्या हैं, SP3 हाइब्रिडाइज्ड हैं।
एसपी थ्री हाइब्रिडाइज है तो इनका बॉन्ड एंगल नियरली 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास आना चाहिए, और PS3 ड्रेगोज रूल के हिसाब से, आई होप आपको ड्रेगोज रूल बहुत अच्छे से पता है, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 94-93 के आसपास आता है। आपको भी याद रखना जरूरी नहीं है, मुझे भी इतना करेक्टली याद नहीं है, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसका यानी सबसे कम तो PS3 का है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट देख लेते हैं, 109 डिग्री के आसपास सबका होना चाहिए, लेकिन NH3 और H2O में आपको पता है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से आपका एंगल कम हो जाता है। CH4 का होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि होता है 109 डिग्री 28 मिनट, NH3 का होता है 107 डिग्री, है ना, H2O का होता है 104.5 डिग्री, और PS3 का होता है 94 डिग्री, है ना। ये वैल्यू एग्जैक्ट ही आप समझिए, आपको याद नहीं रखनी इसलिए मैंने बोला कि, है ना, ऐसे ही मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इतनी होती है, आपको याद नहीं रखनी लेकिन, ठीक है। अब कह रहा है भाई विच ऑफ द, है ना, द स्पीसीज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज इन ए स्टेट ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किस में आपका नाइट्रोजन एटम एसपी हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, आसान नहीं है क्या? अगर आप NO2 प्लस को देखो, NO2 प्लस आपका बिल्कुल CO2 की तरह है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 7, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और एक पॉजिटिव चार्ज के वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 6, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन आपके 6, और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका, आई एम सॉरी, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 5, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, और एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वैलेंस सेल कितना, इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 4, और हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा सिंपली sp2। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास होंगे, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था एक्चुअली, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे मुंह से निकला था, एक बार देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके 7, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन 6, है ना। तो आप देखिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5, और प्लस चार्ज आने की वजह से 4, और सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर में हैं, लोन पेयर में एक भी नहीं है, और अगर लोन पेयर में एक भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि sp2 में बोल रहा हूँ, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, आप देखिए लोन पेयर में एक भी नहीं है, तो लोन पेयर है एक भी नहीं है, बॉन्ड पेयर हैं आपके 2, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा sp, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक भी लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp, और शेप होगा आपका लीनियर, ठीक है। और sp पूछा है इसमें, बहुत सिंपल था, और एक सिंपल सी बात है यार, ये बिल्कुल CO2 जैसा ही मॉलिक्यूल है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज ही है, मुझे लगता है एक दो बच्चों का ही लैंग्वेज की वजह से दिक्कत हुआ होगा, बाकी तो बहुत ही जीता। कह रहा है इन ग्रेफाइट एंड डायमंड द परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इन हाइब्रिडाइजेशन आर रेस्पेक्टिवली। ग्रेफाइट एंड डायमंड के हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछ रहा है, तो इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन इसने पूछ लिए। ग्रेफाइट में जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है ना, ग्रेफाइट में जो परसेंट, है ना, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है क्या sp2, और डायमंड में क्या है sp3। आई होप आपको आसान से पता होगा, आपको याद होगा डायमंड किस तरह का होता है, sp3 डायमंड कैसा होता है, एक कार्बन आपके 4 कार्बन से अटैच होते हैं, इस तरह का शेप होता है आपका, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है sp3। इसी तरह ग्रेफाइट आपका किस तरीके का होता है, वो बिल्कुल ऐसे होता है, उसमें जो ये बॉन्ड पेयर से वो मूव करते रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आपका आता है sp2। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से पता होगा, तो आसान था ये काफ़ी। sp2 और sp3, यहाँ पे जो आपका पी कैरेक्टर है वो आपका 66.66%, और यहाँ पे पी कैरेक्टर है आपका 75%, ठीक है। 75% की वजह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 67% एंड 75%। अब यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन BF3 एंड BF4 बॉन्ड लेंथ इज सेम इन द बोथ कंपाउंड, बॉन्ड लेंथ इज मोर इन BF3। अब इसको देख लेते हैं यार थोड़ा अलग से। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है होगा क्या, BF4 माइनस कैसा होता है, BF4 माइनस है इस तरीके का, BF4 माइनस है इस तरीके का, ठीक है, और BF3 होता है आपका ऐसा। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, अब जो फ्लोरीन का लोन पेयर होगा, बोरॉन क्या है, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका, एक ऑर्बिटल होता है वैकेंट, और इस ऑर्बिटल के थ्रू ये क्या करेगा, इस ऑर्बिटल के थ्रू ये करेगा आपका बैक बॉन्डिंग, इस ऑर्बिटल के थ्रू करेगा ये आपका बैक बॉन्डिंग, ठीक है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कैसा हो जाएगा ये, इस तरह का हो जाएगा कुछ, इस केस में आएगा आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बैक बॉन्डिंग आपको अच्छे से पता होगा, मैंने रीजन दिया केवल, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पे आपका केवल सिंगल बॉन्ड है, और केवल सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या करेंगे
केवल सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में क्या हो जाएगा आपका ज़्यादा, इस केस में कम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के केस में क्या करेंगे, बॉन्ड लेंथ के केस में बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा आएगा। अगर आप इफेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कैलकुलेट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 1.33, है ना, कर सकते हैं इसको, ये काफ़ी आसान है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 1.33, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका 1, और बॉन्ड ऑर्डर अगर आपका 1 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 और बॉन्ड ऑर्डर 1.33, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी कि बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, BF4- का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा BF4- का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 28 का, BF बॉन्ड लेंथ इज मोर इन BF4-। आसान था ये काफ़ी, मेरे हिसाब से तो ये बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका, इफ जेड एक्सिस इज मॉलिक्यूलर एक्सिस, द पाई पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड बाई ओवरलैप ऑफ, पाई ऑर्बिटल कैसे बनेगा। आपको कह रहा है जेड ऑर्बिटल इज, है ना, आपका जेड ऑर्बिटल के थ्रू हो रहा है, तो आते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। जेड ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, जेड ऑर्बिटल है आपका, ठीक है, यानी जेड एक्सिस के थ्रू हो रहा है आपका, जो भी ओवरलैपिंग हो रहा है वो जेड एक्सिस के थ्रू हो रहा है। अब आपको पता है कि जब भी आपका पाई और बनता है, तो पाई आपका पहली बात तो पी को यूज़ करके बनता है, ठीक है, पी को यूज़ करके बनता है। अगर आपका है ना मॉलिक्यूलर एक्सिस है जेड, तो या तो PX PX ओवरलैपिंग के थ्रू बनाएगा आपका पाई, या तो PY PY के थ्रू बनाएगा। बात समझ में आ रही है, PZ PZ के थ्रू क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। PZ PZ के थ्रू क्या बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और PY PY थ्रू के क्या बनेगा आपका, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ऑप्शंस चेक करते हैं एक बार, ऑप्शंस कह रहा है भाई, ऑप्शंस कह रहा है आपका S+PZ। अब यार आपको पता है पाई बॉन्ड में तो S का कोई रोल नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगर आप PX और PY के ओवरलैपिंग से तो कोई रिजल्ट आना ही नहीं है, इसका ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट आपका PZ और PZ। अब यार यहाँ PZ और PZ अगर उसी प्लेन में, देखो PZ और PZ क्या है, उसी एक्सिस में होंगे, मॉलिकुलर एक्सिस में होंगे, और क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, हो सकता है PX और PX, क्योंकि PX इसके होगा परपेंडिकुलर, PX होगा इसके परपेंडिकुलर, और वो दोनों ओवरलैपिंग के बाद क्या बनाएंगे आपका, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो काफ़ी आसान था, काफ़ी आसान था। नेक्स्ट आपका बॉन्ड ऑर्डर आप HE2+। अब अगर आप HE2+ में इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 3, अगर आप वो दो है ना मॉलिकुलर ऑर्बिटल से आप कर सकते हैं यार, इसमें σ-2 और है ना σ*1s1 से, लेकिन आप देखें इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ट्रिक के थ्रू लिखे तो इसको आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा आपका 1 2 1, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 2-1/2, यानी 0.5। अब यार इस क्वेश्चन को देखो यार, हम ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बताना चाहता था टाइम बचाने के लिए, ऐसा कर सकते थे कि भाई देखो इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन कितने, 3। आपको पता है इसका 0.5 क्या, मतलब ऐसे फ्रैक्शनली होना चाहिए, और फ्रैक्शनल में जब भी आता है 0.5 आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 0.5 या 1 ऐसा, तो 1 और 2 तो पॉसिबल ही नहीं बॉन्ड ऑर्डर इसका, तो इसका आंसर 1/2 ही होना चाहिए था। लेकिन आपने कैलकुलेट करके भी देख लिया, कैलकुलेट करके देख लिया प्रॉपर, जो आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ है आपका 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 1, आपने इसको माइनस किया, 2-1/2 इज इक्वल टू आपका हुआ 0.5। आसान था ये काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Pn3 in 1 ion, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Pn3 in 1 ion करके कंपाउंड है। तो भाई पहले 5 तो कार्बन बना लें, थोड़ी बहुत IUPAC आपको इसको पता होना चाहिए, IUPAC का आपका टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा मैंने 5 कार्बन बना लिए, फर्स्ट पोजिशन पे आपका आइन और थर्ड पे आपका इन। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH, यहाँ पे आ जाएगा आपका CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टर्मिनल कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, टर्मिनल कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए टर्मिनल कार्बन आपका यहाँ पे ये और ये, टर्मिनल कार्बन को देखेंगे आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, लोन पेयर कितने, एक भी नहीं, इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ आपका बनाया, ठीक है, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा SP, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा SP एंड SP3, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, डी। आसान था ये काफ़ी, है ना, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ठीक है,
In case of alkali metals, the covalent character decreases in order. Covalent character decreases. अब यार देखो alkali metals options आपके क्या दिए हैं, options हैं आपके, है ना, आपको compare किसमें करना है, Mi, MbR, MCl और MF. इसमें M common है, यानी cation तो common है, anion को देखना है. अब greater the size of anion, greater will be the covalent character. Covalent character ज़्यादा होगा जब anion का size ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे I का covalent character सबसे ज़्यादा और MF का covalent character सबसे कम. तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. और ये बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा आसान था, इसमें आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नेक्स्ट कह रहा है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी, अब इस केस में देखिए आपका फ्लोरीन सब में, एनायन सब में कॉमन है. कैटायन के केस में क्या आपको पता है, कैटायन के केस में आपको पता है स्मॉलेस्ट इज द कैटायन, है ना, यानी कैटायन की साइज आपको क्या होता है, कैटायन की साइज जो होती है वो, जो भी कैटायन की साइज होती है ना, वो अगर ज़्यादा स्मॉल हो तो लैटिस एनर्जी क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है. तो इस केस में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कैटायन आपका क्या है, सोडियम का है. ठीक है, आप अगर है ना सीजियम प्लस, आर बी प्लस, है ना, एन ए प्लस और के प्लस में देखेंगे तो सोडियम प्लस आपका क्या होगा, एन ए प्लस की साइज आपकी क्या है, सबसे कम. तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी. आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आपको कह रहा है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ H2, H2 प्लस एंड H2 माइनस. यार गाइज इसमें थोड़ा सा अपने को वेट करना है. ठीक है, H2, H2 प्लस और H2 माइनस. ठीक है, H2 को देखें, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 1 और इसके पास इलेक्ट्रॉन है 3. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 और 0. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 2 और इसके बॉन्ड है ना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0 इस केस में. H2 है ना, इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं गाइस. हमारे पास है H2, H2 प्लस, H2 माइनस. H2 है आपका 2, H2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आपका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास आपका 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब देखिए 2 है ना, इसका आप करेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा आपका 0. यहाँ पर अगर आप करेंगे आपका 1 आ जाएगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 0. ना करके देख लीजिएगा आप इसको. ठीक है, तो H2 के केस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा 0. यहाँ पे आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा 1 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा 0. यहाँ पे आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएगा 1. तो ऐसे केस में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आपका आएगा NB माइनस NA अपॉन 2. तो H2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, H2 प्लस के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ और H2 के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर हाफ. तो आपको पता, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के केस में उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा क्या, स्टेबिलिटी. तो यार भाई बॉन्ड ऑर्डर इस हिसाब से स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा H2 की हो गई, लेकिन वॉट अबाउट H2 प्लस एंड H2 माइनस. तो जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आए, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस लाइन को, जब बॉन्ड ऑर्डर आपका सेम आए तो देखते हम नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ है. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अगर हुआ तो स्टेबिलिटी कम, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम. तो भाई अब चिल्ला चिल्ला के H2 माइनस कह रहा है कि भाई मेरे पास तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मैं कम स्टेबल हूँ. तो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, H2 फिर H2 प्लस फिर आपका होगा H2 माइनस. अब से कह रहा है ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल. 1s और np के ऑर्बिटल से क्या बनता है आपका, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है. और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपके क्या होते हैं, एक दूसरे से 80 डिग्री है ना होते हैं. तो काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान है ना. सिमिलरली अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड से डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर किसका है इस केस में. ठीक है, सिंपल देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड बाकी सब में देखिए आप, NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन 14, CN माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन 14, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन 14, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन 14 और NO माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन 16. तो आप अगर बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी आप देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए, इतने से भी आपको आइडिया लग सकता था. नहीं तो आप है ना कॉन्फ़िगरेशन करके आप जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आपका इसका इनसे डिफरेंट आएगा, बाकी सबका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, है ना. आप करके देख लीजिएगा, आप सिंपली 2-2 वाले से कर सकते हैं, 2-2-6 वाले से कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान है. तो आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अलग आ जाएगा और ये काफ़ी आसान था. ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है डायपोल मोमेंट इज शोन बाई. अभी हमने प्रूव किया
1,4-dichlorobenzene. 1,4-dichlorobenzene हमारा कैसा होता है, इस तरीके का होता है, ये कोई भी डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो आपका फर्स्ट तो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करेगा। बाकी देखते हो सिस 1,2-डाइक्लोरो इथेन, नहीं यहाँ पे इथिन होना चाहिए, सॉरी आप एक बार पेपर में भी करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, ये एक मिस्टेक हो गई, आई होप इसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, आई एम सॉरी। ठीक है यहाँ पे इथिन होना चाहिए। अब सिस 1,2-डाइक्लोरो इथिन है, ठीक है, तो सिस कैसा होता है आपका, इस तरीके का होता है, इसको इस पेज पे कर लेते हैं, ठीक है, सिस बना रहे हैं, सिस 1,2-डाइक्लोरो इथिन इस तरह का है। आपको पता डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसमें इस तरफ होगी और इस तरफ होगी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, यानी ये कुछ ना कुछ इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट आपका शो करेंगे, यानी कि ये तो डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए NH3, NH3 तो बहुत फेमस है, इसके पास डाइपोल मोमेंट होता है, और SF4 का भी हमने थोड़ी देर पहले ही किया कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2, 3 एंड 4, इसको अभी हमने प्रूव किया, 2, 3 एंड 4, ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, कोई दिक्कत, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब से कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ऑल बॉन्ड्स आर PCl, है ना, PCl5 आर इक्वल इन लेंथ, गलत है, आपको पता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल, है ना, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल, ठीक है। P4 के पास आपका होता है 6, है ना, अगला कह रहा है ना, P4 के पास आपका 6 फॉस्फोरस बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल सही, आप अगर P4 को देखेंगे तो इस तरह का होता है, और इसमें फॉस्फोरस बॉन्ड कितने हैं, 6, तो यही स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, बाकी आप एक बार चेक कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा आसान है, है ना। SF4 आपका नॉन पोलर नहीं होता, पोलर होता है तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, और SO2 आपका SP2 ऑक्सीडाइज होता है, SP नहीं होता, आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर मॉलिक्यूल, NO2 प्लस, अभी मैंने पीछे ही डिस्कस किया था कि NO2 प्लस आपका लीनियर है हाइब्रिडाइजेशन SP, आप एक बार उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन था आपका, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, NO2 प्लस में आप देख लीजिए यार, सिंपली देख लीजिए, NO2 प्लस में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कितना था, 5, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ 4, और सभी के सभी क्या आपके बॉन्ड पेयर हैं, तो आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका SP और शेप होगा आपका लीनियर, काफ़ी आसान था। स्पीसीज इन विच SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल एटम फॉर द बॉन्डिंग, अब यहाँ पे आप देखो CH3+ को देखो, है ना, CH3+ को देखो, वैसे भी पता आपको एक कार्बोकेटायन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन SP2 है, लेकिन देख लो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, CH3+ को देखो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका SP2, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपको, है ना, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन एंड टेट्राक्लोरो मेथेन विल बी रेस्पेक्टिवली, अब यार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, काफ़ी आसान है, पहला आपसे कह रहा है इस तरह का, है ना, ये लिया आपको मॉलिक्यूल 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन, और दूसरा मॉलिक्यूल है आपका, है ना, टेट्राक्लोरो मेथेन, आपसे इसमें का, है ना, बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो देखिए बॉन्ड एंगल सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका SP2 और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन SP3, तो ये बॉन्ड एंगल आपका होगा 120 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल होगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 120 डिग्री और 109.5 डिग्री, ठीक है, आसान था ये काफ़ी। कह रहा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन ए वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ए वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म इज, अब यार आप सबको पता है एक वाटर मॉलिक्यूल आपके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, है ना, कितने बॉन्ड बनाता है आपका, 4 बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ऑक्सीजन से अटैच होते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आई थिंक सारे क्लासेज में करवाया जाता है, सारे नोट्स में होगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड्स बनाता है आपका, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से, 2 ऐसे बनाता है, एक यहाँ से, एक इस तरफ से, और एक हाइड्रोजन इस तरफ से और ऐसे, ठीक है, तो टोटल 4 बनाता है, काफ़ी ईजी है, इसीलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कि इनमें से क्या ट्रू नहीं है बी टू एच सिक्स के बारे में, यानी डाइबोरेन के बारे में क्या सही नहीं है, डाइबोरेन के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसको, ठीक है, डाइबोरेन के बारे में क्या सही नहीं है इसको देखते हैं, ठीक है, डाइबोरेन के बारे में आप देखिए कह रहा है कि बोरान इज SP3 हाइब्रिड, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं आपका, ठीक है, बी टू एच सिक्स,
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, आसान है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बोरॉन एटम इज इन ग्राउंड स्टेट, बिल्कुल नहीं, बोरॉन हाइब्रिड स्टेट में अपने sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यही गलत होगा। आगे हम और ऑप्शन देख लेते हैं, टू हाइड्रोजन ऑक्यूपाई स्पेशल पोजिशन, बिल्कुल सही, ये दोनों स्पेशल पोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, है ना, ब्रिज वाले हाइड्रोजन होते हैं। नेक्स्ट है आपका टू, देयर आर टू थ्री थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बिल्कुल ये आपके क्या है, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है एक, और ये आपका दूसरा, तो आई होप है ना सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, बोरॉन आपका ग्राउंड स्टेट में नहीं है, किसमें है, हाइब्रिड स्टेट में है, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन भी आपका ग्राउंड स्टेट में नहीं हुआ इस केस में, ठीक है, तो ये काफ़ी आसान था आई थिंक। द करेक्ट, ये शायद एक बार फिर से वो पेज रिपीट हो गया, हम आते हैं डायरेक्टली इस पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बी एफ बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट, यार हमने ऑलरेडी अभी प्रूव किया कि बी एफ थ्री में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1.33, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, मतलब पहले के क्वेश्चन में देखा था कि आपका बी एफ थ्री में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.33, बाकी सारे केसेज में आपका बी एफ थ्री में बॉन्ड ऑर्डर कितना है आपका 1, यहाँ भी आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 है ना, बी एफ थ्री का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी है आपका 1, क्योंकि आपका ये जो भी बच रहा था वैकेंट ऑर्बिटल वहाँ एन एस थ्री आ गया, सिमिलरली यहाँ पे एन सी एस थ्री का होल थ्राइस आ गया। बी एफ थ्री के केस में बैक बॉन्डिंग की वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.33। अगर आपको दिक्कत हो तो बैक बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, बी एफ थ्री और बी एफ फोर माइनस वाला, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बी एफ थ्री का जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1.33, बाकी सब में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 1.33 है तो इस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। विच इज़ ट्रू अबाउट एन एस टू माइनस, एन एस थ्री और एन एस फोर माइनस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज सेम, बिल्कुल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3, यहाँ भी आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये सेम और यही ट्रू है, बाकी सारे स्टेटमेंट अगर आप एक बार चेक करेंगे तो गलत हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में स्पीड तेज करने का रीज़न नहीं था कि वो क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट टेस्ट की सारे जो है आप जो है तैयारी अच्छे से करिए, जो भी आपको डाउट है आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसके अलावा जो है आप अगले टेस्ट की तैयारी करिए, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस टेस्ट में भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक लिए गाइज अपना ख्याल रखें, अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें, सेफ रहें, घर पर रहें, और यार मतलब आप बिल्कुल जिम्मेदार हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने इच्छाओं को मजबूत रखें। टेक केयर गाइज, टाटा बाय बाय, मिलेंगे गाइज जब भी मैं नेक्स्ट टेस्ट बनाऊंगा, अपना टेस्ट होगा मेरा तो उस पर मैं सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है, केयर है ना, ठीक है गाइज, टाटा बाय बाय, टेक केयर।